नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपको अपना अमर भारद्वाज। दोस्तों आज अपने सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350। आज के इस वीडियो में इस बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड। वर्ग में तीन वेरियंट के साथ में आपको मीटियोर 350 देखने को मिल जाती है। पहला वेरिएंट है इसका फायरवॉल, जो इसका बेस मॉडल है, जिसका आज अपन इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। एंड दूसरा वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलता है स्टेलर, एंड तीसरा जो वेरिएंट है वो है सुपरनोवा। तीनों वेरिएंट की प्राइस आपको अलग अलग देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं फायरवॉल वेरिएंट का, जो कि इस बाइक का बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में आपको इस बाइक के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, तो उसका आज अपन इस वीडियो में फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बेस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस बता दो, तो 2,43,000 रुपये का आपको ये वेरिएंट ऑन रोड मिल जाता है जयपुर सिटी के अंदर। चलिए करते हैं स्टार्ट इस बाइक के रिव्यू का, एंड देखते हैं बेस मॉडल में आपको इस बाइक के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आप इस बाइक की देख लीजिए, तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की देखने को मिलती है, जिसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तीनों वेरिएंट की आपको सेम देखने को मिल जाती है। चलिए करते हैं इस बाइक की को ऑन, एंड देखते हैं फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। तो जैसे आप इस बाइक की को ऑन करते हो, तो यहाँ पर आपको जो रिंग लाइट देखने को मिलती है, LED डीआरएल लाइट, ये ऑन हो जाती है। इस बाइक के अंदर आपको हैलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आरी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्टील का कवर देखने को मिल जाता है। हजार्ड का ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। हैलोजन इंडिकेटर के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, 41mm फोर्ग एंड 130mm ट्रेवल, ड्यूल चैनल ABS आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। इसके फ्रंट में आपको 300mm की डिस्क देखने को मिलती है, बाइब्री के कैलिवर मिलते हैं, अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ में आपको ये बाइक मिल जाती है। इस बाइक के टायर साइज की बात करो, तो इसमें आपको 119/19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के बेस मॉडल की बात करूँ, तो बेस मॉडल के अंदर एंड इसके टॉप एंड एंड सेकंड टॉप मॉडल के अंदर आपको क्रोम फिनिशिंग अंतर देखने को मिलता है। बाकी पूरी बाइक आपको सेम देखने को मिलती है, इंजन एंड टायर साइज बाकी आपको ऑल ओवर बाइक के अंदर सेम देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट फायरवॉल वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो जाता है आफ्टर मार्केट। इस बाइक के अंदर आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हो। बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की, तो साइड में आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके की। यहाँ पे आपको बड़ा सा टैंक देखने को मिलता है, 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। जो आपको कवर देखने को मिलता है, ये आपको क्रोम फिनिशिंग वाला कवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग देखने को मिलती है। आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक के अंदर आपको 349cc का एयर ऑयल कूल इंजन मिल जाता है, जो 20.2 BHP की पावर जनरेट करता है एंड 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5-speed गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इन साइड में आपको मीटियोर 350 की ब्रांडिंग मिलती है स्टिकर के फॉर्म में कुछ इस तरह की। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ, तो इसमें आप 765mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। अगर आपके हाइट 5'6", 5'7", 5'5" है, तो अभी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो बैक रेस्ट देखने को मिलता है, आपको एक्सेसरीज के तौर पर लगवाना पड़ता है, इस बाइक में इंक्लूडेड नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की रियर प्रोफाइल की, तो रियर में आपको इस बाइक के अंदर ग्रेवरल देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको गोल सी हेलोजन टेल लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलता है। इस बाइक के रियर सस्पेंशन की बात करें, तो ट्विन ट्यूब इम्यूलेशन शॉक एब्जॉर्बर 6-स्टेप प्रीलोडेड सस्पेंशन मिल जाता है, जो आपको एडजस्टेबल मिलने वाला है। इसके रियर में भी आपको ABS मिल जाता है। इसके रियर में आपको 270mm की डिस्क देखने को मिलती है, एंड इसके रियर में आपको टायर साइज की बात करूँ, तो 140/70-17 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलते हैं। काफ़ी वाइड टायर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। रियर में भी आपको बाइब्री के कैलिवर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, एंड देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको आधा एनालॉग एंड आधा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। स्पीड लिमिट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, न्यूट्रल लाइट, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट, लो बैटरी वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, ट्रिप वन, ट्रिप टू एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। एंड इस बाइक के अंदर आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है, आई बटन, जैसे आप इस बाइक के ट्रिप वन, ट्रिप टू एंड डिजिटल क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो। सिग्नल हॉर्न के साथ में आपको बाइक मिलती है। एंड इस बाइक के अंदर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ, तो 120 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। अब मैं एक बार आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस बाइक के इंजन को। कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिलता है। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस बाइक का एक स्मॉल सर्वे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।